ऐसा लगता है कि दुनिया रंग की चुनौती की दीवानी है। अगर आप आज उदास नहीं तो इस वीडियो को देखें। कई बार ऐसे दिन होते हैं जब सब कुछ हल्का और फीका सा लगता है। इन लड़कियों के लिए कुछ तरीके हैं यहाँ पर, जिनसे इनका संसार थोड़ा चमकदार बना सकते हैं। मुझे लगता है हम रंगों में सुधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए एक ही रंग चुन सकती है। क्या मैं अपनी मर्जी का रंग चुन सकती हूँ? नहीं नहीं, किस्मत को चुनने दो। लड़कियों ने इसमें अपने रंग डाले, लाल, पीला और जामुनी। चलो चले। सबसे पहले लड़कियां मॉल जाती हैं। उनके दिमाग में क्या है? ये मूर्खता भरा प्रश्न है। बेशक खरीदारी करने, हम कपड़े बाद में देखेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए चलो हम नाश्ता करते हैं। ये कॉफी शॉप है। लेकिन उन्होंने सीधा ऑर्डर नहीं दिया, वो रंगों को देख रही है जो मौजूद है। क्योंकि चुनौती का पॉइंट तो यही है कि उसे रंग का खाना चुनना है जो तुम्हारा रंग है। लेकिन रंगों की समानता सबसे जरूरी है। हम चुनने के लिए तैयार हैं। ये रहे हमारे सोडा के कैन, जामुनी, पीला और लाल। मिठाई भी इसी इरादे से चुनी गई है। चमकदार जेली कैंडीज, रंगीन मैक्रॉन्स, रंगीन खाने के नाम पर ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। होठ लड़की को डिफाइन नहीं करते, लड़कियां तय करती हैं कि उन्हें कैसा दिखना है। और चुनौती का दूसरा चरण मेकअप स्टोर में जाना। सौभाग्य से मॉल एक जगह है जहां सारे सपने सच होते हैं। मेकअप स्टोर जिसमें रेनबो के सारे रंग पक्का मिल जाएंगे, ताकि जो चुनौती है अच्छे से पूरी हो सके। लाल एक शैडो पैलेट, ओह गजब का। कोई पीला रंग खरीदना चाहता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। लाल नेल पॉलिश और लिपस्टिक अच्छी है। मेरे पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम सुपरमार्केट चलें तो चुनौती के नियम बिल्कुल पहले जैसे हैं। अपना रंग चुने, ये बहुत मजेदार होने वाला है। अपने पालतू जानवरों को मत भूलो। पर्पल कैट फूड ये सही रहेगा। मैं लेती हूँ पीले M&M's। हमारे पास यहाँ और क्या है? चाय पत्ती पर्पल पैकेट में। जल्दी से टोकरी में डालो। ओह जेली बीन्स, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए। लाल ग्रोसरीज भी शेल्फ पर है। यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से है जो हमें चाहिए। सबकी पसंद का खाना और सबसे जरूरी रंग। बनाने वाला सेक्शन, प्रोड्यूस सेक्शन खास तौर पर दिलचस्प है। पीले क्वींस, जूसी बेल पेपर। हालांकि इस कैबेज को लाल कहते हैं, ये मेरी जामुनी टोकरी के लिए बेहतर है। शॉपिंग कार्ट हर तरह के सामान के साथ भरता जा रहा है। नतीजे में हर एक पार्टिसिपेंट अच्छा खासा सामान इकट्ठा कर पाया है, एक ही रंग की योजना के मुताबिक। तो किसने सबसे अच्छा किया? ये मुश्किल प्रश्न है। मुझे लगता है हम सब ने अच्छा काम किया। और अब चुनौती के सबसे अच्छे हिस्से पर आते हैं। ओह आखिर में कपड़ों की खरीदारी। ओह इन सभी कूल स्टफ को देखो। लेकिन एक ही रंग में पूरी लुक बनाना असली चुनौती है। मुझे लगता है जामुनी चीजें मुझसे छिपी बैठी है। ये अच्छी हुडी है। तुम कहाँ थे? कदम दर कदम हमारी एक ही रंग की वार्डरोब लगभग तैयार है। चलो ड्रेसिंग रूम में चलें। वॉलेट एक सुंदर यूवी क्वीन का स्वागत है। पिकाचू और डैंडेलियंस की देवी, अनोखा पीला और आखिर में जुनूनी औरत पके टमाटर जैसी है। लेकिन दरअसल वो अपनी लाल ड्रेस से बहुत खुश नहीं। तो अब समय है उस घर को ईंट से ईंट जोड़कर बनाने का, या ज्यादा सही कहें तो रंग से रंग मिलाने का। ये लड़कियों का काम है कि वो कितनी ज्यादा चीजें अपने रंग की इकट्ठा कर पाती हैं। तो इसी रंग में अपने खुद के इंटीरियर को डिजाइन करने के लिए वो भाग्यशाली होगा जिसका दीवारों का रंग भी उसके रंग से मैच करेगा। अब बस सोफे को पीले कंबल से ढकना बाकी है। खूबसूरत पीले की अपनी ही बात है।
अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। वॉयलेट रूम भी सही है, पर्पल दीवार, सोफा, कुछ लेवेंडर एक्सेसरीज और सब कुछ हो गया। जैसा कि हमेशा होता है, मेरे दोस्तों के पास चमकदार खूबसूरत दीवारें हैं और मुझे पूरा सफेद कमरा मिला है। ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी मरम्मत करने की जरूरत है और दीवार को लाल रंग से पेंट करें और फर्नीचर को सेट करें। सब हो गया, अब समय है कपड़े बदलने का। ये ज्यादा अच्छे हैं। चलो अपने दोस्तों के घर चलते हैं। वॉयलेट, ये बनी सचमुच तुम्हारे पर्पल रूम में रहना चाहती है। तुम बहुत आरामदेह हो। आओ चलो तुम्हें दिखाऊं मेरा कमरा कैसे बदला है। तुम पीली धूप जैसे कमरे में उदास नहीं रह सकते। सब कुछ बहुत चमकदार और हसमुख है। अगला कमरा रेड का है। वाह, चीजें सचमुच बदल गई है। ये बहुत मजेदार है। हर कमरे का अपने रंग का वातावरण है। नए इंटीरियर को छोड़कर हमारे कपड़े बहुत डल लग रहे हैं। सब कुछ आराम से नहीं मिलता। एक रंग की चुनौती अब गंभीर होने वाली है, इसलिए कोई अपने ब्लॉन्ड बालों को लाल रंग से डाई करने जा रहा है। अपने हाथों पर दस्ताने पहन ली, ये बहुत लाल है। पीला मैंने की और उससे कुछ कम इंटेंस है, लेकिन ये इतना भी कम नहीं। वॉयलेट बैंगनी रंग के मूड में है। उसका मेकअप पर्पल रंग में बिल्कुल असली लग रहा है। ये बात है, यही वो जगह है जहाँ लड़कियाँ अपनी कल्पना को पूरी तरह से इस्तेमाल करती हैं। हल्की सी चमकीली अपने होठ ऊपर लगाए, ब्लश की जगह चमक का इस्तेमाल करें। मगर लाल होठ क्लासिक है, तो पीले भी चमकीली के साथ। आह, हमने चुनौती के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारी सभी लड़कियों का लुक बहुत चमकदार है। अचानक से ये लंच टाइम है, चलो अपनी ग्रोसरीज की तरफ चलें। हम यहाँ क्या खा सकते हैं? वाह, टेबल पूरे खाने से भरा पड़ा है। पर्पल, पीली और लाल ग्रोसरीज का पहाड़। लेकिन पीली जार में से चिप्स खाना एक अलग चीज है और पर्पल कैबेज को खाना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन चिली पेपर खाना सबसे तीखा टेस्ट है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लाल रिटर स्पोर्ट को बदला जा सके? ये क्या विचित्र मेन्यू है, लेकिन चीजों का मिश्रण बहुत अनोखा और विचित्र है। रोजाना की डाइट के लिए सब्जियाँ और चॉकलेट उदाहरण के लिए, इसे स्वस्थ और संतुलित खाना कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब से हम इस तरह के जोखिम उठा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है लड़कियों ने फैसला कर लिया, वो तब तक टेबल नहीं छोड़ेगी जब तक वो खत्म नहीं कर लेती। टेबल पर बहुत सारा खाना है, मुझे लगता है वो खाने के साथ लड़ कर थक गई है। लेकिन वो अभी भी लड़ रही है। ये आराम का समय नहीं और ये ही कारण है कि सब खाना खरीद कर लाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर शुरू करते हैं। अभी भी यहाँ बहुत अच्छा खाना है। क्या ये सचमुच सारा खा पाएगी? उम्मीद करते हैं वो इतना खाने के बाद बीमार नहीं होगी। वो बहुत मेहनत कर रही है। और अब दोस्तों के पास एक और मजेदार काम है, अपने रंगों के हिसाब से ब्यूटी प्रोडक्ट और एक्सेसरीज ढूंढना। एक हेयर रैप, शैम्पू, टॉवल और यहाँ तक के टॉयलेट पेपर भी। ब्यूटी प्रोडक्ट की पसंद सचमुच बहुत जरूरी है। यहाँ तक के पीले पैचेस भी चमकदार पीले हैं। बनाना हैंड क्रीम, पीला डिओड्रेंट, ये कोई मुश्किल नहीं क्योंकि आजकल स्टोर्स में बहुत सी वैरायटी है। रेड के पास भी सही रंग का लोशन है। इसके अलावा उसकी खुशबू भी बेरीज जैसी है और उसके वाटरमेलन चश्मे उसके आसपास की हर चीज को लाल रंग देंगे। लेकिन एक रंग की चुनौती हमेशा नहीं रह सकती। तुम्हारे 24 घंटे पूरे हुए और तुम रंग रोग के बारे में भूल सकते हो। लड़कियों ने नियमों के साथ इसे अच्छे से निपटा लिया और आखिर में खुद को रोकना बंद कर सकती है। हालांकि ये मजेदार था।
क्या आपको हमारी रंगीन चुनौती पसंद आई? आप क्या सोचते हैं, कौन सी लड़की जीतेगी? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।